अ स्टेशनरी शेल ब्रेक्स इंटू थ्री फ्रेगमेंट्स. द मोमेंटम ऑफ टू ऑफ द फ्रेगमेंट्स इज पी ईच. मूव एट 60 डिग्री टू ईच अदर. द मोमेंटम ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इज. तो देखिए, जब भी आपके इंपल्सिव फोर्स आते हैं तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है. ठीक है, तो एक ऐसे गया, P1 मोमेंटम ले गया भाई, दूसरा P2. अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो PP, लेकिन इनके बीच का जो आपका एंगल है वो 60 डिग्री है. तो थर्ड का क्या होगा? थर्ड का इस तरीके से होगा कि इन तीनों का वेक्टर सम क्या है? जीरो है. द वेक्टर सम ऑफ दीज, इसे मैंने कह दिया P1 एंड यहां पर आपका है ये पी, आपका P1 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पी है, और ये आपका P2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पी है. तो P2 प्लस P3 या P2 एंड P1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है जीरो. तो आप देखिएगा, यहां से आपको P प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P प्राइम वेक्टर हो जाता है माइनस ऑफ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर. तो यहां से देखें, मॉड ऑफ P प्राइम वेक्टर जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाएगा मॉड ऑफ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर. तो यहां पर हम रिजल्टेंट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं. तो यहां से लिखेंगे P² + P² + 2P × P, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज cos 60. सो 2P² + 2P² एंड cos 60 इज 1/2, एंड दैट इज √3P² एंड इट इज इक्वल टू √3P. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो आई होप बच्चों आप लोगों ने सीखा होगा ये. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों.